चला जाता सवेरे सवेरे, पल भर भी नहीं जमकर बैठता चाक पर, कहाँ जाता है हुंडी बटाने। आओ तो। छोड़ मेरा हाथ। छोड़ने के लिए नहीं, पकड़े थे मैंने तुम्हारे हाथ, भगवान भी इन्हें छुड़ा नहीं सकते। सुन चंदा, तुम्हारे हाथों को छोड़ देंगे तब काट डालूंगा मैं मेरे हाथों को, समझी? अच्छा अच्छा, अब जो कुछ कहना जल्दी कह डालो। क्या कहूँ, मैं तो तुम में खो गया हूँ चंदा। तुम्हें तो और कुछ सोचता ही नहीं। अब सोचेगी भी तो कैसे, तुम्हारी बिखरी हुई अलकों में गोरा का हृदय उलझ गया है चंदा। ये बात तो तुम कितनी बार कह चुके, फिर भी तुम्हारा जी नहीं भरता। भला अमृत पीते पीते किसी का जी भर सकता है? अरे कुछ सुनेगा तो कहेगा कि तुम मेरे लिए बिल्कुल दीवाने हो गए हो। तुम जैसी गोरी गोरी पत्नी पास हो तब कौन दीवाना नहीं होगा। गोरा, ओ गोरा, ये लो, काकी सवेरे सवेरे घर का काम करे और बहू रसिया के साथ राज रचाए। हरिओम 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 हरिओम। अरे ये हरिओम हरिओम छोड़ो, जरा मेरी भी सुनते जाओ। कर्जा लेकर भतीजे को ब्याहा तो वो दिन रात बहू के साथ रंगरेलियां मनाया करता है। बच्चे हैं हरे और उनकी उम्र भी रंगरेलियां मनाने की है, इसमें तुम क्यों चिढ़ती हो? बस एक तुम ही हो ना घर का रंग बिगाड़ते हो। बहू बेटा प्रेम करें तो रंग बिगड़ता है कि चमकता है, भला तू ही बता। बताओ बताओ, कर्जा क्या था ब्याहने को, होंगे तो ये घर बेच देना संसार चलाने के लिए। मेरी भी क्या किस्मत फूटी थी जो मैं घर में बहू ले आई। हाय हाय मेरे फूटे कदम, हाय हाय। तेरी हाय हाय पूरी हो जाए तो फिर मुझे बताना। क्या कहा? मैं हाय हाय करके चुप हो जाने वाली नहीं, बहू को मैं के भेज दूंगी 4 महीने जल्दी। खड़ी खड़ी सुन क्या रही है, जा तालाब से मिट्टी खोद के ले आ, तब तक मैं घर का काम निपटा लूं। शुरुआत ओ गोरी जरा होने दो मीठी मीठी बात। बादल की पालकी पे होके सवार आ जाने वाली है बरसात, बलम जरा होने दो प्यार भरी बात। आज का दिन गोरी वैसी बना दो मेरी रात, बलम जरा होने दो प्यार भरी बात। बादल की पालकी पे होके सवार आ जाने वाली है बरसात, बलम जरा होने दो प्यार भरी बात।
बाहर से देखन में दो, ओ जो दिल से दिल का मेल रहे तो गोरी कभी ना बिछड़ना हो, पिया कभी ना बिछड़ना हो, दो तुम्हारी दो हमारी चारों अखियन की प्यारी आओ हम कराएं मुलाकात, बलम जड़ा होने दो प्यार भरी बात, बादल की पालक पे होके सवार आ जाने वाली है बरसात, बलम जड़ा होने दो प्यार भरी बात। तुम्हारे खेल कूद में तुम्हें अपना काम भी भूल गई। चंगा, ये तुम्हारे काम करने के दिन नहीं, चलो बैठो, आज हम जी भर कर बात करेंगे। पर मैं यहाँ हूँ इतने दिन, तो मुझे काम करने दो। पर काके तो तुम्हें अभी अभी मैके भेजने की बात करती है। चंगा, तुम जाओगी तो मुझसे काम कैसे होगा? गढ़ने बैठूंगा बर्तन और गढ़ी जाएगी तुम्हारी मूर्ति। अरे हाँ, पर तुम वापस कब लौटोगी? वापस? हाँ। 6 महीने के बाद, समझे? तो इसमें बधाई की कौन सी बात है? लड़का गोरा के यहाँ हुआ और तुम फूले नहीं समाते। अरे डूब मरा चुल्लू भर पानी में। के लिए मेरी पहचान बड़े काम की है। सामने तो आओ,
हिम्मत है तो तू दरवाजा खोल और थाम ले आ। ये लो, मैं आया। उधर नहीं, इधर। बोल। इधर। इधर। चाहिए। क्या मुसीबत है भगवान? इन मुसीबतों से तो मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। इन मुसीबतों से तो मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। ये क्या? गोरा, मोह माया के मार्ग पर रात दिन चलने की बजाय मेरे मार्ग पर चल, तुझे मिलेगी मुक्ति। तेरा स्थान यहाँ मेरी छत्र छाया। प्रभु, भगवान, जोरों की तरह क्यों आ रहे लाला? अरे भाई, मैं तो अपने लाल को देखने आया था। अरे तो घर का ही चोर है। चलो भाई चलो, ये तो बात का बतंगड़ बना दिया। क्यों चोर महाशय जी? क्या कर रही हो? बड़े अक्लमंद समझती थी अपने आप को, भाई साहब बाप बने हैं। बच्चा भी खुश हो जाएगा बाप की अकल देखकर। रूपा, सबने छोड़ दिया लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। चंदा बहन, चोर चोरी से भागने ना पाए, सुबह होते ही मैं इसे सजा दूंगी। ये कैसा पागल है, आधी रात को यहाँ चले आए? मिलने तो तुम्हें आया था, पर मिल गया कोई और। ये भगवान कहाँ से हाथ आ गए? मैं ही भागता फिरता भगवान के हाथ चला गया। चंदा, आज मुझे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। अच्छा, तब तो तुम भगत हो गए, यही ना? ये तो कौन जाने, पर उस पल भर में जो कुछ हुआ उससे मेरे जन्म जन्म का फेरा टल गया। ओ, अब तो चंदा के बदले चक्रधारी का जाप जपते रहना, सबका भला हो जाएगा। अब जब तक प्राण है तब तक मेरे प्रभु का नाम। गोरा, रात को कहाँ गया था? ससुराल। बहू से मिलने? हाँ काकी, मिलने तो उसी को गया था, पर मिल गए भगवान। जिया, ए जी, जरा यहाँ तो आओ। क्या है? सुनते हो, रात के तुम्हारा गोरा ससुराल हुई आया। इसमें नई बात कौन सी हुई? अपने दिन भूल गई क्या? है है, ससुराल में भगवान मिले, इसमें नई बात ही नहीं। अरे ओ गोरा, छोड़ अपने इस ढोंग को और बैठ जा चाक पे बर्तन करने। धर्म की भागी धरती के धन से लौला गिरी। आज गोरा हुआ रे बैरागी, आज गोरा हुआ रे बैरागी रे, आज गोरा हुआ रे बैरागी। अरे हो, माटी हुई है रे सोना, आज माटी हुई है रे सोना। उड़ गई रे धूल हो गया रे साफ, उड़ गई रे धूल हो गया रे साफ, मेरे मन का
दर्पण दागी आज गोरा हुआ रे बैरागी आज गोरा हुआ रे बैरागी रे टूट गया घेरा देखो माया का टूट गया घेरा हुआ है रे सवेरा मिटा है रे अंधेरा जगा है भाग मेरा रे मैंने प्रभु की नगरिया की पाई डगरिया प्रभु की नगरिया की पाई डगरिया दुनिया से दूर डाला डेरा रे अरे हो मैं तो हरी का हुआ रे अनुरागी मैं तो हरी का हुआ रे अनुरागी लागी माया मोह में आगी लागी माया मोह में आगी सब आशा तृष्णा प्यारी आज गोरा हुआ रे वैरागी आज गोरा हुआ रे वैरागी रे आज गोरा हुआ रे वैरागी मेरी सोई रे आत्मा जागी अंधियारी भरम की भागी धरती के धनी से नौला गिरी आज गोरा हुआ रे वैरागी आज गोरा हुआ रे वैरागी रे अरे बहू दिन भर इसे खिलाती ही रहेगी या घर का भी कुछ काम करेगी हरिओम 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 तुम यहाँ हरिओम हरिओम करते रहते हो उधर बहू दिन रात बच्चे के साथ खेलती रहती है और वहाँ गोरा हरी विठल करता रहता है अब क्या बाकी रहा है झगड़ा जो तुम कर रही हो हरिओम हाँ हाँ तो इस घर में मैं ही बुरी हूँ और सब अच्छे हैं हरिओम 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 हरी विठल ये हरी विठल छोड़ो और बर्तन करना शुरू करो काकी हाथ धो के पीछे पड़ी है अरे पगली जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया है उस भगवान का नाम तो हमें लेना ही चाहिए पर मैं कहां मना करती हूँ दिल भगवान को दे दो और हाथ संसार को सौंप दो अच्छा जी ए धर्मा आइए आइए पटेल जी आइए आइए पटेल जी अब आइए आइए से काम नहीं चलेगा धर्मा गोरा के ब्याह पे जो कर्जा लिया था उसकी कुछ याद भी है अरे ब्याह हो गया बहू आ गई बच्चा हो गया हमारे लेने देने की कुछ याद ही नहीं अरे मूड़ी तो दूध ही हमारा ब्याज तो दे अब इसी से पूछो जिसके ब्याह के लिए कर्जा लिया गया था क्यों चक्रधारी चुप क्यों हो बोलते क्यों नहीं इस बार के मेले के बिक्री में से जरूर दे दूंगा पटेल जी मटके तो गड़े नहीं मेले में क्या ले जाओगे अपना सर भगवान गढ़ेंगे भगवान गढ़ेंगे कुम्हार की जाति ऐसी अरे दूध में धो धो कर दाम दिए हैं तुम्हारे काका को समझा आप चिंता न कीजिए पटेल जी हम कुछ भी करके आपका कर्जा अदा कर देंगे तुम्हारा विश्वास किए लेता हूँ वरना ये हरी विठल तो हरी विठल ही है जो कुछ है सो हरी विठल ही है पटेल जी बाकी सब कुछ झूठ है अरे हाँ बहू देखो एक अच्छी सी सुराही पाने के लिए दे जाना जी पटेल की आंखें मुझे अच्छी नहीं लगती अपनी आंखें अच्छी रखो तो तुम्हें दुनिया की आंखें अच्छी दिखाई देंगी अच्छा अच्छा चलो मटके बनाना शुरू करें कल मेले में जाना है ना हाँ चंदा चलो दूर हट
मेरे ससुर की लड़की, ओ मेरे ससुर की लड़की, बिजली की तरह कहे तड़के है। दूर हट रे मेरा दिल धड़के, अरे दूर हट रे, दूर हट रे मेरा दिल धड़के। बार बार के तेरी छेड़खानी मोहे भाईना, हो भाईना। अरे रोज रोज की तेरी अनाकानी हमें भाईना, भाईना। अरे रोज रोज की तेरी आनाकानी हमें भाईना, भाईना। मत छेड़ रे बलम मोहे लागे शरम, मत छेड़ रे, मत छेड़ रे बलम मोहे लागे शरम। गोरी काहे, ओ गोरी काहे को हमसे भड़के है। दूर हट रे मेरा दिल धड़के, हाय दूर हट रे, दूर हट रे मेरा दिल धड़के। माटी के पुतले
काहे को बिसारा हरी नाम माटी के पुतले काहे को बिसारा रे हरी नाम हाड़ चाम का तन ये तेरा हाड़ चाम का तन ये तेरा आज है कल ना रही है हाथी घोड़ा माल खजाना कोई संग ना जई है हाड़ चाम का तन ये तेरा आज है कल ना रही है हाथी घोड़ा माल खजाना कोई संग ना जई है रूप रंग की तड़क भड़क ये नहीं लगेगी काम माटी के पुतले काहे को बिसारा रे हरी नाम माटी के पुतले काहे को बिसारा रे हरी नाम काहे को बिसारा हरी नाम माटी के पुतले काहे को बिसारा हरी नाम माटी के पुतले काहे को बिसारा रे हरी नाम भगत 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 विश्वबाजी के बहनों ने तुम्हारे सारे मटके तोड़ डाले क्या कहा भाई तुम्हारे सारे मटके तोड़ डाले मेरे मटके तोड़ डाले हाँ अरे बहू धनी तुझे अकेले ही को नहीं मिला चल अंदर चल चल ना मुन्ना देख मुन्ना तेरे बाबा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं मालूम होता है आज सारा सामान बिक गया है नहीं चंदा सभी बर्तन टूट गए क्यों बाबला हेलो ले 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 ला दाम आज कितनी बिक्री हुई आज कुछ भी दाम नहीं मिले काकी सभी बर्तन फूट गए सभी बर्तन फूट गए झूठ बिल्कुल झूठ नहीं काकी नहीं क्या मुझे मालूम है तुम दोनों चोरी चोरी सब दाम इकट्ठे कर रहे हो नहीं काकी मैं सच बोल रहा हूँ तो खा अपने भगवान की सौगंध बात बात में भगवान की सौगंध नहीं खाई जाती देखा झूठे को बिल्कुल झूठा काकी इन्हें झूठा मत कहो ये झूठ कभी नहीं बोलते एक बार नहीं हजार बार कहूंगी तू झूठे तेरा गोरा झूठा और तुम भी तो क्या कहा है तेरा फिर से तो कहे चंदा चंदा यहाँ तो सही हाँ ले जाओ अरे तुम इधर आओ तुम क्या बीच में बोलते जब तुम्हें कुछ मालूम नहीं अरे चलो ना आती हूँ तुम चलो अरे चलो अच्छा आती हूँ तुम मेरी नहीं सुनते थे सो देख लो अपने भतीजे का करतूत ये टोपी कहाँ से आई गोरा बिक्री नहीं हुई तो ये टोपी कहाँ से आई ये टोपी पटेल ने दी थी मुन्ना के लिए काकी पटेल ने और वो किस नाते से तुम्हारे बच्चे में प्रेम दिखा रहा है चंदा बहू काकी ये क्या कह रही हैं आप काकी साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि आपको हमारा इस घर में रहना पसंद नहीं इन्हें पसंद हो या ना हो ये रोज रोज के ताने मुझसे नहीं सहे जाते अब मैं यहाँ पल भर भी नहीं रहूंगी यहाँ झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं इसमें इल्जाम कैसा जैसा है वैसा कहा जा रहा है फिर तुम्हें मिर्च क्यों लगती है चलो निकल जाओ मेरे घर से यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी निकल जाओ यहाँ से तुम जैसे के लिए मेरे घर में जगह नहीं चलिए अब हम कहीं भी रहेंगे पर इस घर में नहीं जैसी आपकी इच्छा काकी चलो चंदा हाँ हाँ जाओ ना नहीं नहीं गोरा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तो तुम भी चले जाओ इसके साथ ये यहाँ नहीं रह सकता तुम्हारी बहू की रचाई हुई रात लीला मुझसे नहीं देखी जाती काका अब हम इस घर में नहीं रह सकते हमें आशीर्वाद मेरे बच्चे चलो चंदा हाँ हाँ जाओ 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 अब तुम कहाँ चले जी चलो ना अब हम क्या करेंगे कहां जाएंगे धीरज रखो इतनी बड़ी धरती पर हम अपने लिए कोई जगह ढूंढ निकालेंगे
और धीरे धीरे अपना घर बसाएंगे। नया बसाने के बजाय जो बसा हुआ है उसी को बंटवा लो ना। बाप दादे की मिलकत में तुम्हारा भी तो हक है। जाओ करो गांव को इकट्ठा और कराओ न्याय। आखिर हम भी तो बाल बच्चे वाले हैं। जाओ। जैसे तुम्हारी इच्छा। अरे गोरा का बाप तो सिर्फ बचपन में ही छोड़कर चल बसा और कलश का बोझ हमारे सर पर लादता गया। अब गई गुजरी बातें भूल जाओ और जो कुछ सर सामान हो उसका हिसाब करो। हाँ हाँ कोतवाल जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। करो हिसाब निकालो सर सामान। करो हिसाब निकालो सर सामान। अरे ब्याह कराया काम धंधे पर लगाया सब मुफ्त में। क्या हमारे दाम खर्च नहीं हुए? अरे तुम लोगों को पंचों की आबरू का कुछ ख्याल भी है या नहीं? गांव में रहना तो जैसा हम कहें वैसा करना होगा। हम कहाँ ना करते हैं पटेल जी। पांच तो परमेश्वर जैसे चाहो वैसे बंटवारा कर लो। हाँ हाँ करो बंटवारा और बना डालो हमें भिखारी। कुछ बाकी रह गया हो तो बताना। पर इसमें मेरे भगवान तो है नहीं। काकी मुझे वो मूर्ति दे दो। हाय हाय शर्म नहीं आती भगवान की मूर्ति मांगते हुए? भगवान के बदले कुछ चीजें कम कर दो किंतु तुम एक दो चीजें ज्यादा ले लो पर मैं भगवान की मूर्ति नहीं दूंगी। बिना भगवान का भाग मुझे नहीं चाहिए। चाहे तो भगवान ले लो चाहे तो भाग दोनों में से एक मिलेगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए भाग या भगवान? भगवान। खाली हाथ वापस आए? खाली हाथ नहीं हजार हाथ साले को साथ लेकर आया हूँ। इसीलिए तो धर्मशाला में रहने की नौबत आई। न रहने को घर न खाने को अन्न न पहनने को वस्त्र इस तरह जिंदगी कैसे कटेगी? ये तो जिंदगी देने वाला ही जानता है। चंदा हम किसी दूसरे गांव चले जाए। आइए आइए। अरे नहीं रे गोरा भगत ऐसे कहीं गांव छोड़ा जाता है? अरे तुम लोग गांव से चले जाओगे तो मेरी इज्जत ना चली जाएगी। ना बाबा ना। अरे चंदा तुम चिंता ना करो मैं तुम्हें अपना घर दे दूंगा। चलो उठो उठो मेरे साथ चलो चलो। ये सब अपना ही समझना चंदा बाबू। आराम से रहो और मौज करो समझी? हाँ हाँ अच्छी तरह से समझती हूँ। आपका किराया हर महीने भेज देंगे उसकी चिंता ना करना। किराए की चिंता कौन करता है चंदा बाबू? तुम दोनों का घर बच जाए मेरा किराया वसूल हो गया। पटेल जी आप बड़े दयालु हैं। नहीं रे ये तो तेरा बड़प्पन है भगत। अच्छा तो चंदा बाबू मैं चलता हूँ। किसी चीज की जरूरत पड़े तो सीधी घर आ जाना। शर्म ना करना मुझे अपना ही समझना। पटेल जी बड़े अच्छे आदमी हैं। तुम्हारे इस पटेल जी की छत्र छाया में हम ज्यादा दिन नहीं रह सकेंगे। क्यों क्या बात है चंदा? सब आपके जैसे भगत नहीं है। अच्छा सुनो हम थोड़े दिनों के लिए खूब मेहनत मजदूरी करेंगे खूब कमाएंगे और अपना नया मकान बसाएंगे। तो चलो उठो मैं मिट्टी के पिंडे देती हूँ और मैं बर्तन करता हूँ। आओ चंदा हम चक्रधारी का नाम लेकर चलाएं चाक। चलो चल रे चल रे चल रे चल मेरे चाक चल रे चल चल रे चल मेरे चाक चल रे चल ओ चल रे चल मेरे चाक चल रे चल चल रे चल मेरे चाक चल रे चल।
चार धाम ना जाऊं अयोध्या काशी, जहां बिछा दूं अपना आसन वही मेरा अविनाशी। चंदा, ऐसी सुंदर और कोमल काया मिट्टी में सन्ने के लिए नहीं। सुन, तू घर का कामकाज कर, मैं मिट्टी गूंद लूंगा। भगत, मिट्टी अपना देव, परिश्रम अपना साथी और श्रद्धा अपना सहारा। काम से कंटाले वो औरत नहीं, अब तो मेहनत मजदूरी करके नया घर बसाना है। हाँ भाई, ठोक बजा कर लो, ठोक बजा कर लो, बढ़िया है। भगत, भगत। हाँ भाई। मुझे एक मटके की जरूरत आन पड़ी है। अरे भाई, एक के जगह दो ले जाओ ना, ये हमने घर सजाने के लिए थोड़े गड़े हैं। बोलो कौन सा चाहिए तुम्हें, ये चाहिए या ये छोटा वाला चाहिए, बोलो। पर मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं, पर हमारे पास मटके तो हैं। है, ले जा। हाँ भाई, पसंद आया तो मुझे भी एक दे दो भगत। हाँ, मुझे भी एक दे दो। अच्छा, ले जा। भगत, मैं कहता हूँ ये तुम्हारी भलमनसाद का फायदा उठा रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भलाई का फल हमेशा भलाई मिलता है, फिर अपने अपने कर्म की बात है। तो फिर मैं भी ये लिए जाता हूँ। हाँ हाँ, तुम भी लेते जाओ, और गांव के जो बच्चे कुचे लोग हो इन्हें भी यहाँ भेज दो। भगत के कहाँ औरत बच्चे हैं जो निभाना पड़े। चलो जाओ यहाँ से। रात भर जग जग के बर्तन घड़ती हूँ और तुम खैरात बांटते हो। चंदा, बेचारा वो बहुत ही गरीब था, इसलिए मैं। गरीब था तो क्या हुआ, हम भी तो गरीब हैं। मैं कहती हूँ तुम्हारा काम घाट गढ़ने का और मेरा बेचने का। अच्छा, जैसे तुम्हारी इच्छा। आओ बहन, आओ, आओ भाई, बोलो बोलो क्या चाहिए। मटके चाहिए, कढ़ाई चाहिए, बोलो क्या चाहिए। अरे सफाई तो देखो, घड़ाई तो देखो, चमक तो देखो। मैं कहती हूँ ऐसे मिट्टी के बर्तन तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगे। लो लो, ये भी बड़े सुंदर हैं। ए भाई, क्या दाम देना ही भूल गए? यहाँ भगत नहीं भक्तानी बैठी है बेचने, समझे? ए, माफ करना, भूल गया था। फिर कभी ऐसा मत करना। इसका क्या दाम है? सिर्फ दो कोड़ी बहन, टूटे ना फूटे ना, अगर जतन से रखो तो उम्र भर साथ दे। कुछ ज्यादा दाम नहीं बहन। घोड़ा भगत तो कभी दाम के लिए पूछता ही नहीं था। उनका पेट भक्ति से भरता था, मेरा नहीं। यहाँ तो दाम दो और बर्तन लो, समझे? लो ये दाम, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। मेरे मुन्ने के लिए कड़े बनवाऊंगी, सकड़ी बनवाऊंगी। भगत कहीं दिखाई नहीं देते, बाहर गए हैं, अभी आएंगे। चलो कोई बात नहीं, तुम तो हो ना। किराए के बहाने तुम्हें यहाँ आने की आदत पड़ती जा रही है, ये ठीक नहीं। नहीं बहू, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं तो कुमार बाड़े में तकादे के लिए आया था, सोचा तुमसे भी मिलता चलूं, एक बंदो काज। मतलब? बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो समझी जाती हैं, कही नहीं जाती। चिंता रानी, हाँ देखो पटेल, हम गरीब भले ही हैं पर हमारी आबरू सस्ती नहीं। अगर फिर से ऐसा कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा, चल जाओ यहाँ से। धीरे से बोलो बहू, अरे गुस्से में तुम कितनी सुंदर लगती। अरे सब क्या नाम जायज गाँव का, सारे के सारे गोरा के घर जाते बर्तन लेने, यहाँ तो कोई मुँह आता ही नहीं। अरे कुछ सोचो, कुछ समझो, वो भी तो अपना ही बेटा है। बड़े आए बेटे वाले, उसकी चढ़ती देख के तो मैं जल जल के खाक हुए जा रही हूँ। तेरे कर्म में जलना ही लिखा है तो जला कर। मेरे कर्म में जलना लिखा है, अब तुम्हारे घर में जलना नहीं तो क्या फलना लिखा है? घर तो अच्छा भला था और गोरा उसे चला रहा था, पर तूने उसे निकाल दिया, अब पीट अपने कर्म। पीटू अपने कर्म? अरे सो तो पीटना ही पड़ेगा, गोरा के तो बच्चा आज उसके बुढ़ापे में काम आवेगा। तुम्हारा कोई है बोलो। फिर वही पुरानी बात, मैं तो रोज जंतर मंतर करती हूँ कि वो भी मेरी तरह हो जाए और ना रहे कोई पीछे रोने वाला। अरे ऐसा मत बोल, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। अरे गोरा, आओ आओ, तुम्हारे काका और मैं अभी अभी तुम्हें याद कर रहे थे, आओ ना। आओ बेटा आओ। काकी, मैं आपको कष्ट देने आया हूँ, बिल्ली ने दूध गिरा दिया है और मुन्ना भूख के मारे बहुत रो रहा है, घर में कुछ हो तो दे दो ना। हाय हाय,
बहू के पैरों में क्या मेहंदी लगी है जो तुझे आना पड़ा? अरे जल्दी कर, मुन्ना रो रहा होगा। बस पहले तो जैसे वही है गांव में बच्चे वाली, ला कटोरा दे अभी देती हूँ। अरे मुझे तो तेरा मुंह देखना है। आओ बेटा बैठो। अरे सुनती हो, कटोरी भर के देना, लोभ ना करना। सच सच बता, दूध में क्या मिलाया? शक्कर मिलाई और क्या? मैं कहता हूँ वो शक्कर थी या जहर? तुम चुप रहो जी, और देखते जाओ अब क्या होता है। मेरे वंश का नाश हो और मैं देखता रहूं? मैं अभी जाता हूँ गोरा के पास। कैसे जाओगे तुम गोरा के पास? मैं जरूर जाऊंगा। बस चुप रहो। मैं जरूर जाऊंगा। चंदा ये लो, आज काकी ने मुन्ना के लिए दूध दिया है, पिलाओ उसे। तब तो आज अपने घर खुल गए कि काकी को भी तैयार है। गोरा गोरा बहुरानी, ये दूध मुन्ना को मत पिलाओ, उल्टा ने इसमें संख्या डाला। देखा, काकी की आंखों में मेरा लाल हमेशा खटकता रहता है, मेरे एकलौते बेटे को मार डालना चाहती है। धीरे से बोलो बेटा, इस बात को यही दबा दो, फैल जाने से मेरा गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। भगवान मुझे मौत ही दे दे तो अच्छा हो। ये क्या कह रहे हैं आप काका? चंदा अब आप घर जाइए, भगवान तुम्हारा बुरा। सुनते हो? क्या है? जरा मुन्ने का ध्यान रखना, मैं अभी सुनार की दुकान पे जाके आती हूँ। सुनार की दुकान पर? हाँ। वो किस लिए? बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा दाम बचाया था, इससे रुपए की एक संकड़ी खरीदनी है मेरे रूपवान मुन्ने के लिए। आज इसका जन्मदिन है ना? अच्छा, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। अरे मुन्ना, अरे बेटा, आज तेरा जन्मदिन है। तुम इसे क्या दोगे? जब तुम ही सारा साज सजाती हो तो मेरे लिए रखा ही क्या है? मैं इसे आशीर्वाद देकर चक्रधारी के चरणों में सौंप दूंगा। अच्छा, इसे संभाल ला, मैं अभी आई। अच्छा देखो, यहाँ है मुन्ना। अच्छा अरे पटेल जी सुनिए, मैंने कहा गोरा ने कुछ ब्याज व्याज दिया? अरे कहा, एक अधेरा भी नहीं दिया। हाँ जब तुम्हारे हाथ था तो कभी कुछ दे दिला देता था, अब तो सुना है वो अपनी सारी कमाई साधु संतों में लुटा देते। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। अभी अभी मैंने चंदा बहू को सुनार के घर जाते देखा है, बच्चे के जेवर बनवाने। तो ये बात है, तो देखना कल कैसा तमाशा दिखाता हूँ। पटेल भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला। हे भगवान, गोरा गया और मैं मट्टी रौंदते रौंदते तंग आ गया हूँ। आजी सुनते हो, आज तुम्हारे गोरा के लाल का जन्मदिन है और चंदा बहू ने सारे गांव को न्योता दिया हुआ है। भगवान करे लड़का जल्दी बड़ा हो। अरे हाँ, तुम भी तो काकी हो, और कुछ नहीं तो एक झगला ही दे यार। हाय हाय, मुझे दूध पिला के साथ नहीं पालना। अरे वो लोग तो हमें नीचा दिखाने पे तुले हुए हैं। राम तेरी मर्जी के हम है गुलाम, ओ दुनिया के मालिक राम तेरी मर्जी के हम है गुलाम। तुझे लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, तेरी मर्जी के हम है गुलाम।
तेरी ही इच्छा से हम जग में आते, कुछ दिन में हंस रो के फिर चले जाते, तेरी ही इच्छा से हम जग में आते, कुछ दिन में हंस रो के फिर चले जाते, सदियों से चलता है ये आना जाना, सदियों से चलता है ये आना जाना, ये जीने मरने का काम, ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम है गुलाम। चाहे जीता दे हरा दे चाहे बाजी, तू जिस में राजी हम उस में राजी, तू जिस में राजी प्रभु हम उस में राजी, तेरा सुख भी कबूल तेरा दुख भी कबूल, जो भी देना हो दे दे इनाम, ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम है गुलाम। तेरे हुकुम पर झुका तारा तारा, मुट्ठी में तेरी है ब्रह्मांड सारा, तुझ पे किसी का भी काबू नहीं प्रभु, तुझ पे किसी का भी काबू नहीं, तेरे हाथों में सबकी लगाम, ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम है गुलाम, ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम है गुलाम। पांडुरंग पांडुरंग ओ पांडुरंग पांडुरंग ओ पांडुरंग पांडुरंग ओ पांडुरंग 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 ओ पांडुरंग 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 पांडुरंग। मैं मुन्ना के लिए क्या क्या लाई हूँ सुनते हो? बहुत सुंदर। मुन्ना कहाँ गए? मुन्ना? मुन्ना को तो मैं तुम्हें सौंप के गई थी, कहाँ है मुन्ना? यही कहीं होगा, देखो मुन्ना यहाँ तो कहीं नहीं दिखाई देता, घर में होगा, देखो आओ मुन्ना। मुन्ना? अरे मुन्ना 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 देखो मुन्ना। क्या क्या घर में भी नहीं है? घर में नहीं? नहीं तो कहाँ गया? मैं पूछती तुम क्या कर रहे थे? मैंने को तुम्हारे पास छोड़ गई थी। मैं कहाँ था मुन्ना? ये क्या किया मैंने? मेरा लाल भगवान ये क्या है? मेरे मुल्ले को तूने मिट्टी में कुचल दिया, बाप होकर बेटे को मार डाला, तुम्हें इतना भी भाल न रहा कि मुन्ना कारे में आ गया? मुन्ना मेरा लाल बाप होकर बेटे को कुचल डाला, ये क्या हुआ भगवान? भगवान 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 ये क्या किया मेरे भगवान? भगवान मैंने अपने पुत्र की हत्या कर डाली, मैंने अपने पुत्र की हत्या कर डाली,
मैंने अपने पुत्र की हत्या कर डाली भगवान। बाल हत्या का बैठ के पाप मैंने किया प्रभु। प्रभु मेरे पैरों तले मेरे पुत्र को कुचलवा कर किस जन्म के पाप का बदला चुका रहे हो प्रभु। अरे अरे कोई दौड़ो लोगों दौड़ो, अरे गोरा ने अपने बच्चे को मार डाला। अरे अरे कोई दौड़ो, अरे दौड़ो लोगों दौड़ो, गोरा ने अपने बच्चे को मार डाला। अरे अरे कोई दौड़ो, अरे कोई दौड़ो, गोरा ने अपने बच्चे को मार डाला। भगत भगत उठो भगत भगत। अरे लोगो, अरे दौड़ो दौड़ो, अरे कोई सुना तो गजब हो गया। अरे क्या हुआ? अरे गोरा ने अपने बच्चे को अपने ही पाँव तले कुचल डाला। क्या कह रही हो तुम? अरे ना विश्वास हो तो चल के अपनी आंखों से देख लो ना। चलो चलो। सुनिए भाई, बेचारी घबरा गई है, जरा शांति से उससे पूछ लीजिए। हाँ हाँ, तुम्हें तो उसी का विश्वास होगा ना। तू चुप रह। हाँ भाई, लड़का कैसे मरा? खेलते खेलते यहाँ आया होगा, छप्पर टूट पड़ा, मेरा लाल कुचल गया। लेकिन छप्पर यकायक कैसे टूट पड़ा? जो कुछ टूटता है एकाएक ही टूटता है। मनुष्य के सर पर आफत टूटती है एकाएक, मनुष्य का दिल और उसकी जीवन धोरी टूटती है एकाएक, आकाश से बिजली टूटती है गाय। गोल गोल बातें मत बना, कोतवाल जी जो कुछ पूछ रहे उसका सीधा सीधा जवाब दे। छप्पर नहीं टूटा कोतवाल जी, हमारे सर पर बिजली टूट पड़ी है। लेकिन तुम्हारी काकी तो कह रही है कि लड़का छप्पर के नीचे नहीं दबा, गोरा ने अपने पैरों से कुचल कर मार डाला। झूठ, इसी बिल्कुल झूठ है कोतवाल जी। मैं लड़के की माँ कहूँ वो सच, या मेरी बहन कहे वो सच? ये तो कहती है कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। काकी ने तो हमेशा यही देखा कि हम दुखी कैसे हो। कोटवाल जी, आपने कभी ये सुना है कि एक बाप अपने बेटे को अपने ही पैरों से कुचल डाले? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये झूठ बोलती है। हाँ हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेरी आंखों के सामने ही तो सब बात बनी है। बनी नहीं, बना ही गई है कोटवाल जी। दूध पीते फूल जैसे बच्चे को बाप अपने पैरों तले रोंदे, और वो भी एक भगत जैसा आदमी, उसके जन्मदिन पर ही इन सबको न्योता देकर, बच्चे की गुजरी हुई लाश दिखाने को। पिता होकर पिता के हृदय की भावना को समझने की कोशिश कीजिए कोतवाल जी। ये भावना की नहीं, न्याय की बात है। लेकिन तुम्हारी काकी का तुम्हारे खिलाफ फरियाद करने का कारण? सगे संबंधियों का पवित्र फर्ज, अपना कहकर बर्बाद करे नहीं, खुद हंसे और दूसरों को रुलाए नहीं, प्यारा कहकर बैर चुकाए नहीं, तो उसे सगा संबंधी कौन कहे? अरे नाना, तू जैसा कहती है मैं उनमें से नहीं, मैं तो तुझे सदा सुखी देखना चाहती हूँ। लेकिन कोतवाल जी, जब लड़का जैसा लड़का आंखों के सामने कुचला जाए तो क्या दुख नहीं हो? हो, अवश्य हो। ये बात सपने में भी मानने लायक नहीं। तो औरत है या लायन? जो सिर्फ देखने से तुम्हें दुख होता हो, वो बात गोरा जैसा भगत भला कैसे कर सकता है? कोतवाल जी, तुमने अपनी आंखों से लड़के को जब कुचलते हुए देखा, ना तो उसे बचाया और ना मदद के लिए चिल्लाई, इससे साबित होता है कि तुम इस खून में शामिल हो। ठीक है, सच सच बता। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ देखा भी नहीं। तो फिर चले जाए यहां से, नहीं तो बनावटी बात बनाने के जुर्म में तुझे भी सजा दी जाएगी। किसी की बात सच मालूम होती है कोतवाल जी? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही मालूम होता है भाई। ये दुख भरी बात है, हिम्मत रखो,
जो होना था सो हो गया। तूने ही मेरे बच्चे की जान ली। भगवान होकर भरोसे पर रहने वाले का नाश करके तुझे लाज नहीं आई, नहीं लज गई का। मेरी गोद में खेलने वाले लाल को तूने मिट्टी में कुचलवा डाला। मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा, बोल जवाब दे। क्यों जुबान नहीं खुलती? खुले भी कैसे, तू गुनेगार है। चिंदा, गुनेगार तो मैं हूं। हाँ, दुनिया में कोई बाप न करे ऐसा भयंकर गुनाह तुमने किया है। चिंदा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कोई भी बाप अपने बेटे के खूनी को माफ नहीं कर सकती, पर करूँ क्या, कहूँ किसे? मेरे बेटे का खूनी तो उसका बाप ही है। धीरज रखो चिंदा, अपने मन को मजबूत बनाओ। भगवान ने हमें मुन्ना दिया था, भगवान ने उसे ले लिया। भगवान ने उसे ले लिया? तुम्हारा भगवान ही मेरे बेटे की मौत का कारण है। ना ना चंदा, भगवान को दोष मत दो। क्यों ना दोष दूं? मेरे लाल को मिट्टी में कुचलवा कर मिटा देने वाले उस निडर को मैं अपने घर में नहीं रखूंगी। चंदा, मेरे घर से, मेरी नजर के सामने से मैं उसे जरूर दूर करूंगी। याद रखो चंदा, भगवान को फेंकने वाले जीवन से दूर फेंक दिए जाते हैं। भले ही फेंक दिए जाए, पर संसारियों के लिए घर में रखने के लायक नहीं है ये। कसौटी के बहाने दुख देकर चक्कर पर चढ़ा दे, ऐसे तुम्हारे चक्रधारी की मुझे जरूरत नहीं। चंदा, भगवान को उनके स्थान पर रख दो। इसे यहाँ रखकर मुझे अपना स्थान नहीं गंवाना है। पुत्र को भूल जाने वाले से पत्नी को भी भुला दे, उसके पहले ही मैं इसे मिट्टी में मिला दूं। चंदा, हाथ काट डालूंगा तुम्हारा अगर मेरे भगवान को फेंक दिया तो। रख दो भगवान, नहीं रख दो भगवान, नहीं नहीं रख दो, नहीं। जो भगवान मासूम बच्चे को बेमौत मार डाले, रक्षक मिटकर भक्षक बन जाए, ऐसा प्रभु, ऐसा भगवान, ऐसा चक्रधारी मेरे घर में नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे हाथ काट दूं, इसमें रहता भगवान को। खबरदार, अगर मेरे शरीर को हाथ भी लगाया तो। चंदा, मैं तुम्हें कह देता हूँ, मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। मुझे हाथ भी लगाया तो तुम्हें तुम्हारे चक्रधारी की सौगंध, मुझे स्पर्श भी किया तो तुम्हें तुम्हारे चक्रधारी की सौगंध है। चक्रधारी की सौगंध, चक्रधारी की सौगंध, चक्रधारी की सौगंध, चक्रधारी। से मुन्ना वापस थोड़ा ही आएगा। बापू, जब मैं ही मुन्ना को नहीं भूल सकती तो बेचारी चिंदा बहन पे क्या गुजरती होगी। तो चिंता मत कर रूपा, मैं आज ही जाकर चंदा और भगत को यहाँ ले आऊंगा। कहाँ चले जी? बेचारे गोरा और बहू को कुछ खाना खिलाऊं। अच्छा जी, चलो ना, तुम भी साथ चलो ना। वो बच्चे की मौत से है, बच्चे होते हैं तो मर भी जाते हैं, सभी जीते रहे तो धरती पे खड़े रहने की जगह कहाँ रहे? चुप रह, तेरे ही पाप से वंश का नाश होता जा रहा। मेरे ही पाप से वंश का नाश होता जा रहा है, तुम नहीं जा सकते जी? मैं जाऊंगा। कैसे जाओगे? मैं जाऊंगा। तुम नहीं जा सकते? मैं जाऊंगा। तुम नहीं जा सकते? मैं तुम्हें रोक लूंगी। मैं जरूर जाऊंगा। तुम नहीं जा सकते, गए तो याद रखना। चल है की याद रखाने वाली। ये लो खाना, तुम दोनों जरूर खा लेना। गोरा, मेरी मानो तो चंदा को मेके जरूर भेज दो, वो यहां रहेगी तो घुल घुल कर मर जाएगी। अच्छा, मैं चलता हूं, तुम तो जानते हो अपनी काकी को। क्यों, तुम नहीं खाओगी? खाने को जी नहीं चाहता।
तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं ऐसा ना करो, लो मैं खाती हूँ, तुम भी खा लो। लो तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते चंदा, और मुझसे आंसू रोके भी नहीं जाते। ये लो थोड़ा सा पानी पी लो। क्यों रख दिया? क्या तुम मुझे अपने हाथों से पानी भी नहीं दोगे? पानी तो क्या चंदा, तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकता हूं, पर मैं तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों? तुमने तो कहा था कि अगर मैं तुम्हें स्पर्श करूं तो मुझे अपने भगवान की सौगंध है। ये तो आवेश में मुझसे कुछ निकल गया होगा। जो कुछ भी हो, पर अब मैं तो क्या अब तुम जीवन पर मुझे स्पर्श नहीं करोगे? नहीं चंदा, नहीं कभी नहीं। पुत्र गया तब पति का सुख भी मेरे नसीब में नहीं। क्या कुछ भी नहीं भगवान तुझे लाज, क्या कुछ भी नहीं आते भगवान तुझे लाज, ये देख तेरे राज में हम लुट गए हैं। जा
चंदा, इस तरह शोक और संताप करने से अपने संसार की चाक नहीं चलेगी। किसी काम में लगा दो अपने मन को। चंदा, बापू आए। बापू। बेटा रो मत बेटी, धीरज धर, भगवान फिर अच्छे दिन दिखाएंगे। बापू अब आप ही कुछ चंदा को समझाइए, ईश्वर की इच्छा अनुसार सुख और दुख के दिन तो आया ही करते हैं। तुम ठीक कहते हो भगत, पर मेरे चंदा का दिल बड़ा कोमल है। मेरी मानो तो तुम दोनों थोड़े दिन के लिए मेरे साथ चलो। बिचारी रूपा भी मुन्ना को याद करके रोती है, सब साथ रहेंगे तो दुख कुछ हल्का हो जाएगा। बापू ठीक कहते हैं चंदा। रूपा देखो तो कौन आई है। बहन, बहन। तुम कब तक रोती रहोगी? रो मत चंदा, तुम्हारे दुख का कारण मैं ही हूं, पर अब मेरे पास कोई उपाय नहीं। फिर भी तुम्हें किसी भी तरह शांति मिलती हो तो तुम जो चाहो वो मैं करने को तैयार हूं। बोलो। आप अपने भगवान की सौगंध संभालिए। चंदा, तू रूपा के ब्याह के लिए कहती थी, पता ठिकाना ठीक हो तो पक्का कर डाले। सब ठीक है बाबू, बस तुम हाँ कह दो, कितनी देर है। सब कुछ ठीक है, किंतु गांव? मेरा घर? मेरा ही वन। पहले जो तुमने खोजा था वही, रूपा को भी उन्हें ही दे दो ना। भगत जैसा वर तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। क्या बक रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ, खिलौने जैसी रूपा कहीं दुखी हो, इससे तो देखा सुना घर है। हम दोनों बहनें साथ रहेंगी तो तुमको तो कोई चिंता नहीं होगी। नहीं नहीं चंदा, तू भूल कर रही है, ईश्वर का उपकार मान, तेरा संसार सुखी है। नहीं तो पुरुष इस दुनिया में एक पत्नी को तो संभाल ही नहीं सकता, दो की क्या बात। मैं पुरुष हूँ, पुरुष की जात को अच्छी तरह पहचानता हूँ। किंतु वो पुरुष दूसरी मिट्टी का बना हुआ है, उसे मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। तो क्या भगत मान जाएंगे? मनाने की जिम्मेदारी मेरी। भगत, ओ भगत। क्या है? कुछ बात करनी है तुमसे, बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनोगे ना? माला पूरी होने दो, भक्ति के समय मुझे संसार की बातें अच्छी नहीं लगती। ये तो ठीक है, लेकिन जो संसार में रहकर भक्ति करते हैं वो भगवान को ज्यादा प्यारे होते हैं। क्यों, मैंने तुम्हारी भक्ति में विघ्न तो नहीं डाला? नहीं तो, तूने तो मुझे भगवान और भक्ति का भान कराया। अब मुझे भी भान होता जा रहा है कि भगवान के बिना संसार में कोई चारा नहीं। क्या तुम सच कह रही हो चंदा? हाँ, अब मुझे संसार में कोई सार दिखाई नहीं देता। मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ, पर भगत ये बता कि भक्ति से मिलता क्या है? अब कैसे बताऊं तुम्हें, भक्ति से भगवान मिलते हैं और भगवान प्राप्त होने के बाद संसार की हर वस्तु मिल जाती है। पर भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए सच बोलो,
अपने वचन का पालन करो, किसी को दुख मत दो, किसी को धोखा मत दो और किसी जीव की हत्या न करो। तब तो भगत तुम्हारे भगवान तुमसे नाराज हैं। क्यों? तुमने अपने बालक की हत्या की, तुमने मुझे बेहद दुख दिया है। जीवन भर निभाने का वचन देकर पकड़े हुए हाथ को छोड़कर तुमने मुझे दगा दिया है। तुम्हारे पैर हत्यारे हैं, तुम्हारे हाथ दगाबाज हैं। मेरे हृदय में होली सुलगा, तुम्हारा हृदय हरी हरी करता है। पगली मत बनो चंदा, अपने मन को ठिकाने रखो और हरि को सौंप दो। तुम्हारी सोबत से और तो कुछ नहीं, पर मन मानना जरूर सीखी हो। लेकिन भगत, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरा हृदय दिन रात बालक के लिए तड़पता रहता है। पालने को देख बालक को झुलाने की इच्छा को मैं रोक नहीं सकती। मेरा जी चाहता है, मेरा जी चाहता कि कोई मुझे मां कहकर पुकारे। हरि विट्ठल, हरि विट्ठल, हरि विट्ठल। भला ऐसे कौन सी स्त्री होगी जिसे बालक की तमन्ना न हो? मुझे तो कोई उपाय नहीं सोचता। तुमने भगवान की सौगंध दी है, अब तुम ही उसे हल कर दो। मेरी एक बात मानोगे? कहो, क्या कहना चाहती हो? भगत, मेरा नहीं तो दूसरे का ही बालक मुझे दो। यानी मैं एक जीवन में दो संसार करूं? नहीं। हाँ, मैं रूपा को तुम्हारे साथ ब्याहना चाहती हूँ, वंशवेली बढ़ाने के लिए। चंदा, क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी बुद्धि तो नहीं मारी गई? जी मैं नहीं, माँ का हृदय बोल रहा है। माँ की ममता मांग रही है एक नन्ना सलाल, गोद में खेलने वाला, मेरा नहीं तो रूपा का। चंदा, तुमने ही तो कहा था जिसे मेरे मन को शांति मिलेगी वो तुम करोगे, क्या आपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करोगे? मेरा वचन? हरि विट्ठल, हरि विट्ठल। रूपा के बालक को छाती से लगाकर संतोष पाओ, इतना तो करो। चंदा, क्या कह रही हो तुम? जरा सा तो सीने ला दो, मैं तुम्हारे काम पड़ती हूँ। नहीं चंदा, नहीं, नहीं। भगत, किसी को राजी रखोगे तो ही भगवान राजी होगा। हाँ कह दो, मान जाओ मेरी बात, मान जाओ भगत, कह दो। हाँ कह दो भगत, मान जाओ। जैसी चक्रधारी की इच्छा। मेरे सर का बोझ उतार कर आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। करता धरता तो भगवान है, इसमें भी उनका कोई संकेत होगा। भगत, दहेज में लड़की का पिता जितना ही देवे उतना कम है, पर मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं। दहेज में मुझे आपके केवल आशीर्वाद और कृपा चाहिए और कुछ नहीं। दहेज कोई मांगता नहीं भगत, दहेज लड़की के पिता को देना ही चाहिए। लेकिन आज देने के बजाय मैं आपके पास कुछ मांग रहा हूँ। कहो भगत, मांगो वो मिलेगा? हाँ हाँ, कहिए। भगत, मैंने तो रूपा को तुम्हें ही सौंप दिया, जैसे बड़ी को रखते हो वैसे ही छोटी को भी रखना, दोनों में कुछ भी भेदभाव नहीं रखना। क्यों, चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? तुम्हें तुम्हारे चक्रधारी की सौगंध है, जैसे चंदा को रखा वैसे ही रूपा को नहीं रखो तो। चक्रधारी की सौगंध, चक्रधारी की सौगंध।
जैसे श्री हरि की इच्छा, निर्माण टालने से नहीं टलता। ये लो, जाओ अंदर जाओ, इसमें शर्माने की कौन सी बात है, चलो आओ। सो जाओ यहां। भगवान, कैसी परीक्षा कर रहे हैं आप मेरी? को वहां रोती छोड़कर तुम यहां बैठे हो? जगत में से अधिक सुंदर स्थान कोई नहीं चंदा, प्रभु के चरणों में सच्चा सुख और शांति है। तो पहले से यहां बैठे रहते, भगत ही होना था तो रूपा का संसार क्यों बिगाड़ा? रूपा के लिए तुम्हारे बापू ने मुझे सौगंध दी है कि जिस तरह बड़े को रखते हो उसी तरह छोटे को रखना। इसमें सौगंध कैसी, व्यवहार में ऐसे ही कहा जाता है। भगवान के नाम पर दी हुई सौगंध को मुझे निभाना ही होगा। मेरी इच्छा अधूरी ही रहेगी, बेचारी रूपा को मैं जीवन भर जलती हुई देखा करूं? सबके भाग भगवान के हाथ में। तो सुन लो, फूटा नसीब लेकर मैं चुप हो गई, पर रूपा का हक कभी चुप नहीं, उसकी आहें हमें जलाकर खाक कर देंगी। उठ रूपा, आज सोई हुई तकदीर को जगजोड़ कर जगाना है, चलो आओ मेरे साथ। नहीं नहीं, ऐसे देव पुरुष को चलते हुए मेरी काया कांप रही है। वो अपने भगवान के पास सोए हैं, तुम अपने भगवान के पास जाओ, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। यहां
जब मेरे हाथों ने तुम्हें स्पर्श किए, मैंने अपने भगवान की सौगंध तोड़ डाली। ये क्या किया भगवान मैंने? दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो तुम मेरी आंखों के सामने से। क्या किया भगवान? यही वो पापी हाथ, यही वो पापी हाथ मेरे प्रभु से दूर करने वाले, धर्म से भी वो करने वाले। याद नहीं चाहिए प्रभु, याद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इनको सजा मिलनी चाहिए, इन हाथों को सजा मिलनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। काका काका गजब हो गया, गजब हो गया। क्यों क्या हुआ? गोरा ने अपने दोनों हाथ काट डाले। चला अच्छा हुआ काट डाले, अब बर्तन कैसे गड़ेगा? बड़ी इतराती थी तुम्हारी चंदा बहू बहन की शादी रचा कर। तू अपनी बकवास बंद कर और जा गोरा को देख किया। जाए मेरी बला, अब बुलाए ना अपने भगवान को जिसके नाम के मैं जीरे रोज पीटा करता था। अच्छा तो मैं हो आता हूँ। खबरदार जो तुम गए। अरे गोरा तुम्हें कभी भूले से भी पूछना आया काका जीता है या मरता? जब मैं बीमार पड़ी तो बहू ने झांका तक नहीं और तुम उसके घर जा रहे हो, तुम नहीं जा सकते। हे भगवान, ये औरत है या बला? प्रभु बहन मैं क्या पकाऊं, घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। क्या कहती हो, तुम तो कोई चीज बराबर देखती ही नहीं। 10-12 दिन तक अनाज चलो उतना तो मैंने अपने हाथों से भर रखा है। चल दिखाती हूँ। तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि ऐसी बातें करने से उन्हें दुख होता है। मेरी भूल हुई। भरा पूरा घर तो सभी चलाती है, पर हंसते हंसते खाली घर चलाए वही सच्ची स्त्री है। लोगों का काम करके हम अपना घर चलाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलने देंगे। गंगा मासी, मेरी समझ में नहीं आता तुम इस तरह कितने रोज खिलाने आया करोगे। जब तक जीती रहूंगी। आइए। अरे वाह गोरा, तुम तो पक्के भगत निकले। ना दिया किराया, ना दिया ब्याज, आते जाते मेरे तो जूते भी गिर गए। 2-4 दिन और ठहर जाइए, मैं खिलौने बना रही हूँ, उन्हें बेचकर आपका देना कौड़ी कौड़ी चुका दूंगी। तो क्या मैं तुम्हारे वायदे पे विश्वास करूँ? हाँ हाँ, मैं ठीक तुम्हारे घर आकर दे जाऊंगी। तो ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। लाला हो है कोई लेने वाला।
है सांप का टोला, पुर रखता है सांप का टोला, जब खाए भांग का गोला तो आकाश में चढ़े हिंडोला। ये भस्म अंग सिर पर है दंग, करता है रंग गिर जाते संग, देखो शंकर की शान है कोई लेने वाला, बुलोर भाई बुलोर लाला, हो है कोई लेने वाला। देखो बजरंगी बंका, थी किसने जलाई लंका, सर जग में बजाया डंका, मत करो रे कोई शंका, है बहुत बड़ा बने ये राम भक्त हनुमान, है कोई लेने वाला, बोलोर भाई बोलोर लाला, हो है कोई लेने वाला। अरे भाई एक दुग्धा धाम, वहाँ के राजा है ये शल्या थी माता, इनके पिता का दशरथ नाम, भाई इनका दादा लगे दादा, क्यों इन्होंने छोड़ महल की धूमधाम, जंगल में किया मुकाम, करने को लोक कल्याण, दुष्ट रावण को मारा बाण, है कोई करने को लोक कल्याण, दुष्ट रावण को मारा बाण, है कोई लेने वाला, बोलोर भाई बोलोर लाला, हो है कोई लेने वाला। खिलौने वाली देखो तो क्या लाई है, गणेश की मूर्ति मुझे दे दो, ये लो निकालो, दाम तो नहीं है, दाम के बिना मूर्ति कैसे मिलेगी मुफ्त में, ला चलो जाओ यहां से, चलो मुन्ना। मुन्ना मेरा भी एक मुन्ना था, ठहरो यहाँ, ये लो मुझे भी दो, मुझे भी दो, एक मुझे भी दो, नादिया किराया नादिया बयार, आते जाते मेरे तो जूते भी गिर गए, दो चार दिन और ठहर जाइए, मैं खिलौने बना रही हूँ, उन्हें बेचकर आपका देना कौड़ी कौड़ी चुका दूंगी। अरे मूड़ी तो दूध ही, हमारा ब्याज तो दे। तो क्या मैं तुम्हारे वायदे पे विश्वास करूं? हाँ, मैं ठीक तुम्हारे घर आकर दे जाऊंगी, तो ठीक है। आओ चंदा आओ आओ अंदर आ जाओ, बड़ा अच्छा किया जो तुम आ गई, अरे रुको कहीं, मैं कोई शेर थोड़ी हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा, आओ ना अंदर आओ, यहां बैठो आओ। पटेल जी, इस बार खिलौनों की कुछ बिक्री नहीं हुई, इसलिए मैं ये कहने आई हूं कि आप कुछ दिन और ठहर जाइए। अरे तुम आ गई मेरे लिए इतना ही काफी है, और तब तक आप मेरी रही सही पूंजी रख लीजिए। अरे इसे रख के क्या करूंगा पगली, घड़ी दो घड़ी तुमसे बात कर लूंगा तो मेरा सारा कर्जा वसूल हो जाएगा। ये क्या, तुमने ये समझ रखा है कि मैं अपने आप को बेचने आई हूँ? अरे तुम्हारी कहीं कीमत हो सकती है? खबरदार, अगर आगे कदम बढ़ाया तो। प्रेम में कदम आगे ही बढ़ते हैं, पीछे नहीं, अब भी समय है, कुछ सोचो कुछ समझो, जीवन भर ग्रेवी में सड़ने की बजाय अगर मेरी बात मान जाओ
तो तुम्हारी सब तकलीफें दूर हो जाएंगी चंदा। मान जाओ चंदा, मान जाओ। मैं कहता हूँ मान जाओ चंदा, मान जाओ। मान जाओ चंदा, वरना मैं रास्ते का भिखारी बना दूंगा। गरीबों की इज्जत को पैसे तो खरीदना जाने। गोरा कुमार के घर सामान का कल नीलाम होगा, जिसको चाहिए कुमार वाले आ जाए। एक गरीब माँ देह के सिवा रखे भी क्या, यहाँ आती हूँ तो तेरी कुचली हुई हड्डियों की आवाज सुनाई देती है, तेरे पिसे हुए प्राणों की झीक कानों से टकराती है। मुन्ना, मुन्ना। यूँ कब तक रोती रहोगी चंदा रानी? यहाँ क्यों आया पापी? स्मशान में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। चंदा, मैं तुम्हारे आंसुओं को मोतियों में बदल सकता हूँ, तुम्हारी आँख को आनंद में पलट सकता हूँ। याद रख, 100 जन्म में भी चंदा तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। दर दर की भी कारण न बना दूं तो मेरा भी नाम पटेल नहीं। बोलो बोलो, कौन शुरुआत करता है? सारा माल सामान बराबर देख कर बोलना, बोलो। अच्छी तरह हिसाब लगा कर बोलना, बोलो बोलो बोलो। कोई बोलता क्यों नहीं? क्या गांव में कोई बोलने वाला ही नहीं रहा? बोलो बोलो बोलो, ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। मालूम होता है सारा गांव एक हो गया है, लेकिन मैं एक एक से निपट लूंगा। गोरा, ये बात ठीक नहीं है, तुम इन सबको समझाओ। जैसी आपकी आज्ञा कोतवाल जी। भाइयों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कोई तो बोलो और मुझे इस ऋण से मुक्त करो। अरे सिर्फ 200 मोहरों में सारा सामान मिल रहा है, फिर भी तुम्हें सामान की कोई कीमत नहीं? हमें माल की कीमत में जरूर मालूम है पटेल जी। अरे बोलो बोलो, अब तो गोरा खुद बोलने को कह रहा है। गोरा भले कहे पर हमारा दिल नहीं कहता। तुम लोग नहीं बोलोगे तो मुझे दूसरे गांव से बोलने वाले बुलाने पड़ेंगे। नहीं नहीं कोतवाल जी, भला ऐसे कैसे हो सकता है? अरे गांव की इज्जत आबरू यूं नहीं जाने दी जाती, और मेरे गोरा का सामान मेरे जीते जी दूसरे गांव में जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लो मेरी 50 मोहर। क्या 50 मोहरों मुझे सारा सामान मिल जाएगा? 200 तो मेरा कर्जा है। हाँ, ये पानी के भाव में बिक रहा है, बोलो। पचास मोहरे एक बार, 50 मोहरे दो बार, 50 मोहरे। मेरी मोहरे 221, मेरी मोहरे 221, मेरी मोहरे 221, मेरी मोहरे 221। है कोई मुझसे बढ़कर बोलने वाला? अरे अरे, ये क्या कर रही हो? छोड़ो इनको। छोड़ दो इन्हें, खबरदार इन पर किसी ने हाथ उठाया तो। आओ भाई बोलो, 221 एक बार, 221 दो बार, 221 तीन बार। लो भाई, कीमत देकर सामान का कब्जा ले लो। पर मेरे पास तो रोकड़ा मोहरे नहीं है। तो बोला क्यों? यहाँ तुम्हारे बाप का राज नहीं है, समझा? पर मैं तो इस गांव में रहूंगा, धंधा रोजगार करके कमाऊंगा और फिर थोड़ा थोड़ा करके देता जाऊंगा। अरे वाह, ये तो नीलाम की नहीं बोली सुनी हमने कोतवाल जी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे तो इसकी बहू के शरीर पर से जेवर उतरवा लो ना। दाम नहीं था तो सौदा करने को किसने कहा था? मुफ्त के खाने की आदत नहीं गई। ये लो मेरे जेवर। ये लीजिए। सच्चे तो है ना,
और जरा देख के लेना कोतवाल जी कहीं नकली ना निकले। ये सामान संभाल लीजिए। अरे भगत, कहाँ चले तुम लोग? भला हुआ छोटा जंजाल, अब सुख से भजेंगे हरिगोपाल। ऐसा भी कभी हो सकता है? हम लोग दुख के मारे काम धंधे की फिराक में निकले थे और रास्ते में ये नया तमाशा खड़ा हो गया। बस अब तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे और बर्तन घड़ना सीखेंगे। गोरा, चलो घर में बैठकर बातें करें। किसके घर में? ये तो मेरा घर है। गोरा, घर ढूंढ ले अपने लिए कोई नया घर बार। अच्छी बात, अब बहू के गहने बेचकर भी ऐसा घर बसाऊंगा कि तुम्हारी नजर में खटके। जल्दी करो ना, खाते हो मन भर और काम करते हो कन भर। जल्दी करो। काम तो कर रहा हूं, धमकी देती हूं। बस बन गया, सबके सामने नहीं डांटा करते। क्यों भाभी? अरे वाह, हमारे लिए तो बड़ा अच्छा ठिकाना बना दिया। पर तुम्हारा कुछ नाम पता ठोर ठिकाना? मेरा नाम है कान्हा कुमार और यह है मेरी घरवाली, इसका नाम है लक्ष्मी। मुझे तो बहुत कम लोग जानते हैं, पर इसके पीछे सारी दुनिया पा गई। लेकिन आसपास अपने कुम्हारों की जात में तो आज तक तुम्हारा नाम नहीं सुना। सुनते भी कैसे, मैं तो लोक परलोक भटकता रहता हूं। पंडरपुर, मथुरा, द्वारका, रामेश्वरम, काशी विश्वनाथ, सभी जगह घूमा है पर मन को चैन कहीं नहीं मिला, इसीलिए यहां चला आया। अहो भाग्य हमारे, पवित्र धामों की धूल में सने हुए आपके पवित्र चरण हमारे घर आए। चलो अंदर चले, ये तो भगवान का नाम आया के बस सारी जिंदगी भगवान की गप हाँकने में निकाली। गप हाँकने में हमारी ये भी कुछ कम नहीं। और तू जो गप हाँक रही है, जा जा अंदर जा, खाना पका कर ला, जा। पर घर में तो इनाज का एक दाना भी। भाभी तुम चिंता ना करो, यहाँ बैठ जाओ सब ठीक हो जाएगा। अरे जा जा अंदर जा, यहाँ खड़ी क्या देख रही है, जा। आपकी माया को तो मैं भी नहीं समझ सकी, मैंने किस अवतार में पकाया था जो आज मुझे चूल्हे पे बैठा दिए। Thank you.
भोजन तैयार है, चलिए आप लोग अंदर आओ। भगत आओ। अरे लक्ष्मी ये क्या चमत्कार? ये तो कुछ भी नहीं, मेरी लक्ष्मी जो चाहे वो चमत्कार कर सकती है, पर इसको हाथ में रखना बहुत मुश्किल है, बड़ी चंचल है। पर भाभी इसका भेजा बहुत खराब है, बात बात में बिगड़ जाता। भगत देखो भगत, आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगा। अजी रहने दो, आज तक किसी भक्त को तुमने आराम से खाने दिया? चलो हटो, आज तो मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। ये क्या तुम्हारी आंख में आंसू? कान्हा भाई प्रभु की लीला अपरंपार है, जन्म लेकर मां का मुंह देखना मेरे भाग में नहीं था, पर आज आज मुझे अपनी मां मिल गई। मां मां, पुरोहित जी आप पंढरपुर जा रहे हैं तो मेरी ओर से भगवान को चढ़ाने के लिए नैवेद्य की थाल ले जाइएगा। हाँ भगत जरूर ले जाऊंगा, मंगा दीजिए। कान्हा भाई, ओ कान्हा भाई आया। कहो भगत क्या बात है? कान्हा भाई पुरोहित जी पंढरपुर जा रहे हैं, भगवान को इनके साथ नैवेद्य भेजना है। क्यों अब भगवान के घर भी दुकान पड़ने लगा है क्या? ऐसा मत कहो, मैं हर साल भगवान के लिए नैवेद्य का थाल भेजता हूँ। अरे भगत छोड़ो ये आयुर्वेद नैवेद्य, जितना उनको चढ़ाएंगे उतना यदि इस पेट देव को चढ़ाएं तो आगे चलकर काम आएगा। कान्हा भाई भगवान के बारे में तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो लो ये बात बन। हाँ बोलो ब्राह्मण देव, नैवेद्य के लिए क्या क्या चाहिए? क्योंकि भगवान की भूख का अपने राम को कुछ पता नहीं। भक्ति की थाली में श्रद्धा का अमृत हो तो भी बस है, भगवान तो केवल भावना के भूखे हैं। अजी ओ कहाँ हो, जरी यहाँ आओ तो। क्या है? कहाँ थी इतनी देर, देखती नहीं भगत को? वो पंढरपुर वाले भगवान है ना, वो उनके लिए नैवेद्य भेजना। जाओ जल्दी से महाराज को नैवेद्य का थाल तैयार कर दो। देखिए महाराज मेरी घरवाली को पंढरपुर वाले, द्वारका वाले, काशी मथुरा, काशी विश्वनाथ रामेश्वरम, हमें सभी जगह के भगवानों की भूख का पूरा पूरा पता है। क्यों? हाँ हाँ चलिए महाराज अंदर आइए। मेरे लिए भी कुछ रख लेना, भूख बहुत लगी है। नहीं नहीं नैवेद्य से पहले नहीं करना भाई। अरे भाई जम्हाई लेते समय तो भगवान का नाम लिया करो। कान्हा भाई वैसे तो तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो, पर मेरे ये समझ में नहीं आता कि तुम भगवान का नाम क्यों नहीं लेते। इसलिए कि उसका नाम लेने से कुछ काम नहीं बनता। भगत मेरी जगह अगर ये भगवान का नाम ले तो चलेगा कि नहीं? तुम्हारे बदले यदि मैं खाना खा लूं तो चलेगा? चलेगा। नहीं 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 वो नहीं चलेगा। तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा। मैं नहीं लूंगा। लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा। कैसी स्त्री से पाला पड़ा है भगवान, देखा अब कैसे लिया भगवान का नाम। जब मनुष्य को कुछ सोचता नहीं और वो संकट के तूफान में फंस जाता है तभी वो भगवान का नाम लेता है। वही एक ऐसा नाम है जिससे मनुष्य को सच्ची शांति मिलती है। कहना भाई उस पतित पावन नाम को एक बार
फिर बोलो। क्या बोलूं भगत? बोलो हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल। ए विशाल पिंजरे में लाखों पंछी भटक रहे, कहीं गगन पाताल कहीं, अरे बीच में हम सब लटक रहे। बाहर दयालु वाह वाह रे दयालु, अरे वाह रे दयालु वाह वाह रे दयालु, आहा वाह रे दयालु वाह वाह रे दयालु, अरे वाह रे दयालु वाह वाह रे दयालु। धन्य चमत्कार तेरा धन्य है जादू, वाह रे दयालु वाह वाह रे दयालु, अरे वाह रे दयालु वाह वाह रे दयालु। समझ में न आए नाथ माया तिहारी, नाथ माया तिहारी, अरे हो समझ में न आए नाथ माया तिहारी, खूब हमें तूने नचाया है मदारी, अरे खूब हमें तूने नचाया है मदारी, नचाया है मदारी। डोल उठे हम, अरे डोल उठे हम तो सुनकर तेरा डमरू, अरे वाह रे दयालु वाह वाह रे दयालु, अरे वाह रे दयालु वाह वाह रे दयालु। खेलता है क्यों हमसे आंख मिचौली प्रभु आंख मिचौली, अरे हो दयालु वाह वाह रे दयालु, अरे वाह रे दयालु वाह वाह रे दयालु। चारों तरफ पंछियों का लग रहा मेला, चारों तरफ, चारों तरफ पंछियों का लग रहा मेला, अरे हो से कहां खींच लाया तू, वाह रे दयालु वाह वाह रे दयालु, अरे वाह रे दयालु वाह वाह रे दयालु। धन्य चमत्कार तेरा धन्य है जादू, वाह रे दयालु वाह वाह रे दयालु, अरे वाह रे दयालु वाह वाह रे दयालु। Thank you.
पटके नहीं जमीन पर पटके, ले लो मटके कोई ले लो। अरे ले लो मटके ले लो। अरे वाह रे वाह, फूटे नहीं जमीन पर पटके, जरा देखू तो तेरे मटके। ये लो पटक कर देख लो। हाँ हाँ पटक कर ही देखूंगी। चंदा रानी, तुझे अपने कोमल हाथों से मट्टी नहीं खोद रही, मेरा दिल खोद रही है। तू क्यों मेरे पीछे पीछे लगा रहता है? परछाई तो पीछे पीछे रहेगी ना चंदा रानी। खबरदार अगर मेरी तरफ आए तो। जाऊंगा भी कहां, मेरे पास जाओ। प्रभु चंदा, इस निर्जन वन में मेरी लाज रखना। प्रभु बेचारे को और बहुत से काम है पगली, उसे क्यों कष्ट देती हो? अरे कुछ मुझसे कहो, कुछ मेरी सुनो चंदा। चंदा क्षमा कर दो देवी, अब तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा देवी। ज्ञान देव जी, गोरा भगत ने भगवान के लिए एक थाल भेजा है। पुजारी जी, महाराज महाराज, क्या है ये कैसा चमत्कार है? ये क्या, भगवान की थाली से लड्डू कहाँ जा रहे हैं? ठहरो, अभी बताता हूँ। तो गोरा के घर है, चलो हम लोग भी वहीं चलें। चलिए। घर में सुख आया, शांति आई, पर मुन्ना तू लौट के नहीं आया। तेरे सिवा हरा भरा घर सूना लगता है। चंदा भाभी। कौन तुम? तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ हूँ? छोटी भाभी ने, बहुत दिन से देख रही हूँ तुम हंसती भी हो तो फीकी हंसी, कपड़े पहनती हो तो भी मन से, संसार में रहती हो पर मन कहीं दूर भटकता रहता है, ऐसा क्यों? बहन, मेरे हृदय की व्यथा को तुम नहीं समझ सकोगी। तुम्हारे हृदय की वेदना को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। चलो बहन, समय आने पर भगवान सब कुछ अच्छा करेगा। चलो। और हमारे घर, अपने गांव और अपने ही आंगन में, कहना भाई तुम तो। मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मैं सबसे पूछताछ कराया हूँ। तो फिर धन्य है हमारा गांव। अरे चंदा रूपा आओ, सुना तुमने,
भगवान की पाल की हमारे घर आ रही है। अरे तुम देखते क्या हो, जल्दी करो कुमार वाला सजाओ, तोरण बंधाओ, चौक पुराओ। भगवान की पालकी हमारे घर आ रही है, भगवान की पालकी। अरे यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, चलो जल्दी करो। वो देखिए ज्ञानदेव जी संत मंडली के साथ आ रहे हैं। कि उनके यहाँ पहुँचने से पहले बोरिया बिस्तरा बांधो, नहीं तो सारा भांडा फूट जाएगा। चलो जल्दी करो, चलो नहीं तो फंस जाएंगे। नंदन कनस निकंदन हरे हरे जन मन रंजन भव दुख भंजन अलख निरंजन हरे 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 गोपाल राधे कृष्ण हरे हरे गोपाल राधे कृष्ण हरे हरे गोविंद पांडुरंग हरे हरे गोविंद पांडुरंग हरे हरे गोपाल राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण हरे हरे गोपाल राधे कृष्ण। ज्ञानदेव आपके चरण धूल से हमारा ये छोटा सा घर और सारा गांव पवित्र हो गया। सच आपका घर तो पहले से ही पवित्र है, तभी तो भगवान आपके घर आए। ये क्या कह रही हैं आप मुक्ता माई? हाँ हाँ। काना कुमार लक्ष्मी कहाँ है? वो तो घर ही में है, क्या आप उन्हें जानते हैं? वही तो साक्षात विष्णु भगवान और लक्ष्मी है, जो भेष बदल के आपके घर में रहते हैं। वेश बदल कर भगवान विष्णु और लक्ष्मी हमारे घर, क्या ये सच है ज्ञानदेव? सच है मुक्ता माई? काना भाई ठहरिए, मैं भी बुलाता हूं उनको। काना भाई, काना भाई, ओ काना भाई, काना भाई, काना भाई, कहां हो तुम? काना भाई, काना भाई, काना भाई, काना भाई, ओ काना भाई, काना भाई, काना भाई। चले गए भगवान, कोई मेरी मदद करो रे। हे आधी तूफान प्रभु मन मान
पानी कर सकते हैं, बन सकते पाशा, कैसे पत्थर बनूं कहो मैं दुर्बल इंसान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, बंद सारी राहें करो गगन के तारों, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, बंद सारी राहें करो गगन के तारों, प्रभु के पगों में पड़ो चांद सितारों, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरे करुणा निदान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कैसा नसीब ने दिन ये दिखाया, सब कुछ पाके भी कुछ ना पाया, मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा, बड़ा रह गया नदी किनारे मैं प्यासा का प्यासा, कैसा है कठोर ये, कैसा है कठोर ये विधि का विधान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कहाँ गए मेरे भगवान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, पागल हुए हैं मेरे प्राण, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो रखो रे मेरी जान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, जिंदगी है आज परेशान, लौट के नहीं आया, तेरे सिवा हरा भरा कर सोना लगता है। प्रभु बड़े दिल के कठोर
ये लो तुम्हारा मुन्ना। देखा प्रभु का चमत्कार, भक्तों की विनती भगवान के दरबार में कभी व्यर्थ नहीं जाती। गोरा, धन्य है तुम्हारा अटल विश्वास। संसार में रहकर भी जो अपना मन मेरे पास रखता है वही मेरा सच्चा भक्त है। जाओ अपने संसार को संभालो। प्रभु तुम प्रभु बड़े दिल के कठोर